गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आर सेम चैप्टर फॉर क्लास 9, इंडिया साइज एंड लोकेशन। हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था हमारे लास्ट वीडियो में, वो ये था कि गुजरात यहाँ है और अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो लॉन्गिट्यूड पे हम देखते हैं वो भी तो ज़्यादा होगा, क्योंकि सनराइज जो होता है सबसे पहले यहाँ होता है और बाद में यहाँ पर होता है। तो सनराइज़ के अकॉर्डिंग टाइम की बात करें तो दोनों ही डिफरेंस पर आते हैं, और हम अगर इनके लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस देखते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमें हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की वजह से टाइम का जो अज्यूमिंग सिस्टम था, जो डिग्री थी वो मिली थी, तो हमने उसे किस तरह हमारे कंट्री में लागू किया। तो बात यहाँ पर ये आती है कि अगर हम बात करें कि दो ऐसे स्टेट जो बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल हैं, या ये कह सकते हैं एक दूसरे से बिल्कुल समान दूरी पर हैं, तो इन दोनों के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड आ रहा है, यहाँ एक लॉन्गिट्यूड है, यहाँ एक लॉन्गिट्यूड है, और इसके बीच हमारा इंडिया है, तो दोनों लॉन्गिट्यूड अगर हम इतने दूर हैं तो यहाँ का टाइम अलग होगा, यहाँ का टाइम अलग होगा। तो बिल्कुल सही है, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड GMT की बात करें, हमने जो देखा था ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जिसे हम GMT कहते हैं, GMT, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का गैप है। तो ये पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए, कि एक ही कंट्री में रहते हुए हम जो हैं 2 अलग अलग टाइम ले, क्योंकि अगर हम ले भी लेते तो क्या होता, यहाँ से निकलने वाली ट्रेन या इस एरिया से, इस पार्ट से यहाँ पर पहुँचने के लिए जो टाइम, यहाँ पर जो रेलवेज होगा उसका टाइम अलग होगा, यहाँ का रेलवेज जो होगा उसका टाइम अलग होगा, तो जो भी ट्रेन यहाँ से अराइव करती है या डिपार्चर करती है, कुछ भी हो, सिस्टम बहुत अलग हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बात मान लीजिए, हम ही अगर ट्रैवल करते हैं, शुरू करते हैं, हम हमारे यहाँ से 2 बजे के करते हैं, तो यहाँ पर पहुँचने पर क्या होगा कि हम वापस उसी टाइम पर पहुंचेंगे 2 बजे। तो 2 घंटे अगर लगते भी हमारा, तो 2 घंटे का हमारा डिफरेंस होगा। तो किस हिसाब से हम कोई भी, क्योंकि आज हम एक दूसरे पे, जो कंट्री है हमारी इंडिया, हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एवरी स्टेट हैज़ बीन इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, तो इस वजह से हम जो बिजनेस सिस्टम है हमारा, हमारा ट्रैवलिंग सिस्टम है, हमारा जो भी सिस्टम है वो बिल्कुल गड़बड़ा जाता, क्योंकि यहाँ का टाइम अलग हो जाता है, यहाँ का टाइम किस अकॉर्डिंग हम चलते, किस अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स देते बच्चे, किस अकॉर्डिंग हम ट्रेन, हमारी ट्रेन हायर करते कि भाई हम यहाँ से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से हम यहाँ पर हैं, ठीक है, तो हमारा टाइम ये हो रहा था, अब यहाँ का टाइम अलग है, तो एक बहुत ही जो सिस्टम था वो बिगड़ जाता। लेकिन आपको बता दें, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमारा जो टाइमिंग है, हमारे इंडिपेंडेंस से पहले हमारी जो कंट्री है वो 2 टाइम जोन में डिवाइड थी, हमारी इंडिया का टाइम जोन 2 टाइम जोन थे हमारे इंडिया के, यानी हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले 2 टाइम हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि जो क्योंकि हमारे जो लीडर्स थे उस टाइम के, और महात्मा गांधी ने कहा था 1 नेशन 1 टाइम की थ्योरी होनी चाहिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इसे यूज़ किया गया बहुत बारीकियों के साथ, एक बहुत सारे प्रोसीजर के साथ, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखकर हमने जो इंडिया में लागू किया वो था IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये कैसे आया, चलिए देखते हैं। ये ऐसे आया कि
अगर बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल की, तो यहाँ का पोर्शन देखिए आप, यहाँ का पोर्शन हमारे ग्रीनविच से यहाँ पे लॉन्गिट्यूड जो है वो यहाँ 5 बजते, यहाँ 6 बजते और यहाँ 7 बजते। यानी देखिए आप, यहाँ से यहाँ में 2 घंटे का डिफरेंस हुआ बीच का। तो 3 टाइम जोन में बटने के बजाय एक नया रास्ता खोजा गया, जो वो रास्ता कुछ इस तरह से था कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सॉरी आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो इंडिया है आपको दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन ग्रीन सा है दिखा, ये देखिए आप बराबर से, ये लॉन्गिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड लेकर चलिए, ये रहा और ये लॉन्गिट्यूड ये रहा, इन दोनों के बीच में देखिए फिक्स्ड इंडिया लोकेट है। और हमारी डिग्री जो हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल, वो है आप ऊपर से देखिए, नीचे से तो आपके आर्स प्रोवाइडिंग है, ये देखिए, सॉरी ये देखिए। सो हम ये देख रहे थे कि हमारी जो कंट्री है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इस तरह से हमारा जा रहा है, ये यहाँ से, यहाँ से, ये यहाँ से। तो हमें जो हमारी डिग्री यहाँ से देखते हैं हम वर्ल्ड मैप पे, जो हमारी हम जिस लॉन्गिट्यूडनल डिग्री पर आते हैं वो है यहाँ से है 68.7 और यहाँ की जो है वो है 97.25 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारी दो लॉन्गिट्यूड है जो मैप अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मैप की डिग्री जो लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किए जाते हैं, उन इन दो लॉन्गिट्यूड में हम इंडिया हमारा आता है, जो मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब क्योंकि एक बहुत बड़ी मेजर कंडीशन थी, तो हमने इन दोनों डिग्री के बीच का, यानी हमने क्या किया, हमने यहाँ के, सॉरी हमने यहाँ के लॉन्गिट्यूड और यहाँ का जो लॉन्गिट्यूड था 68.7 और 97.25, इन दोनों के बीच का जो दूरी थी उसे कवर करके एक बीच का जो सिस्टम था, एक बीच की लाइन ड्रॉ की हमने, जो हमारी आई 82.30 डिग्री पे। ये इन दोनों के बीच का सिस्टम है, यानी ना ज़्यादा यहाँ ना कम यहाँ, हमने एक बीच की लाइन ड्रॉ करी इन दोनों के बीच की, जो 82.5 डिग्री हमारे पास, 82.30 या 82.5 आप कह सकते हैं कुछ भी, ये आई हमारे पास। अब हमने इसका क्या किया, इसका हम आगे देखते हैं। देखिए, जब हमने ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको IST बताया है, वो ये हमने ड्रॉ किया, आप दिख रहा होगा आपको, देखिए ये रेड रेड वन जो डेड डैश जा रहे हैं, ये वाला, ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली जो लाइन जा रही है, ये लाइन हमने ड्रॉ की 82.30 पे, 82.5 डिग्री पे। और फिर हमने क्या किया, अब हम किस तरह, जैसे हमने वर्ल्ड के ऊपर आपने देखा होगा, हमने ग्रीनविच लिया था, मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए मैं आप लोगों को फिर एक बार बता देती हूँ, ये देखिए, ये हमने ग्रीनविच जो सिस्टम था हमारी 0 डिग्री की जो लाइन थी ग्रीनविच, वो हमने ली थी, और यहाँ से ही हमने हमारे 24 टाइम जोन जो थे वो किए थे। ये देखिए आपको, ये जो 0 डिग्री की लाइन शो हो रही है आपकी ग्रीनविच, तो ये ही थी, ये हमने एक अज्यूम लाइन ड्रॉ की थी। इसी तरह हमने इंडिया में भी स्टैंडर्ड टाइम या इंडिया का टाइम सेट करने के लिए लाइन ड्रॉ कर ली, जो इन दोनों के डिफरेंस, इन्हीं दोनों के डिफरेंस की बिल्कुल बीच की लाइन थी। अब हमने क्या देखा, एक लाइन है जो हमारे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, गेस करो, ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर, ये जो जा रही है देखो बच्चों, ये लाइन जो जा रही है, दिख रही है आपको ये लाइन जो बिल्कुल जा रही है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो हमारी कंट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। फिर हमने क्या किया, हमने किया कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जा रही है और एक जो हमने बीच की लाइन ड्रॉ की थी बिल्कुल दोनों की अज्यूम मिला के, हमने देखा कि ये कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या काटती हैं, तो ये काटती है यूपी में और एक शहर है मिर्ज़ापुर, यूपी के मिर्ज़ापुर में ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो ये हमने हमारा सेंट्रल लोकेशन बना लिया हमारे टाइम जोन का, जैसे हमने वर्ल्ड मैप पे ग्रीनविच को बनाया था उसी तरह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे हमने इन दोनों लाइन के क्रॉसिंग पॉइंट यानी यूपी के मिर्ज़ापुर को हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाकर ये कहा कि अब जो भी टाइम यहाँ सेट होगा वही ओल कंट्री के अंदर माना जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि अगर हम मैंने आप लोगों को 82.30 या 82.5 का भी सिस्टम बताया था कि किसी को भी कुछ भी टाइम जोन का अगर पता लगाना है तो उस कंट्री की डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, आपको आपके पास उस कंट्री का टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि क्यों ये दो स्टेट जो हैं एक दूसरे के सनराइज यहाँ पहले होता है यहाँ बाद में होता है, इसके बावजूद टाइम जोन बराबर है, तो यही वजह है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो आप लोगों के पास क्लियर हो गया, आपका चैप्टर जो था यहीं पे क्लियर हो चुका है। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप लोगों के पास ऑलरेडी हैं, और अगर नहीं है तो ये चैप्टर आप लोगों को आपके जो टेक्स्ट बुक में पीछे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वही काफ़ी हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को आप खुद क्लियर कीजिए और जितना हो सके नोट टेक्स्ट बुक का सहारा लीजिए अपने आंसर्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में सारे आंसर्स दिए हुए हैं। उसके बावजूद अगर आप अपनी लैंग्वेज में आंसर्स बनाना चाहते हैं तो वो और भी बहुत अच्छी बात है, बट लैंग्वेज ऐसी वैसी मत कीजिएगा, बिल्कुल ईजी गोइंग और अच्छी लैंग्वेज लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से होमवर्क है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप खुद करेंगे और यहाँ नोटबुक पहुँचाएंगे देखने के लिए कि आपके आंसर सही हैं या नहीं। ठीक है, थैंक यू।